तो यहाँ अमन और दक्ष का बैटल स्टार्ट होता है। अमन का पहला पोकेमोन है सेंट स्कॉच। क्या बात क्या बात। ओहो, और ये बंदे ने बैठा है जैपडोस। अच्छी स्ट्रैटेजी पर देखते हैं कौन जीतेगा। जैपडोस हरिकेन यूज़ करता है पर फायर लैश तो लगभग उसकी हाफ हेल्थ तक ला देता है अमन का पोकेमोन। फिर जैपडोस काफ़ी स्मार्ट गिरी कर रहा है, रूस्ट यूज़ करता है, फिर फायर लैश मारता है और कम से कम रेड हेल्थ तक जाता है और स्टैटिक पड़ जाता है सेंट स्कॉच पे। डिफॉक मारता है पर कोई असर नहीं पड़ता और फायर लैश मार के जैप्टोस को हरा दिया जाता है। वाह क्या बात। फिर पॉलीगॉन जी आता है, लेट्स सी व्हाट विल हैपन बॉयज एंड गर्ल्स। फिर आइस बीम मारा जाता है। फिर काफ़ी चालाकी चल रही होती है, सेंट स्कॉच अभी भी जिंदा बचा हुआ है। पॉलीगॉन जी डार्क पुल्स मारता तब भी रेड हेल्थ तक ही आता है और फ्लिंच हो जाता है। आई गेस द विनर इज पॉलीगॉन, आई एम सॉरी। तो सेंट स्कॉच हरा जाता है तो अमन बेचता है चैंसी। अमन तो भाई देखते हैं अमन तो क्या करता है। फिर अमन का पोकेमोन कुछ डार्क पल्स टॉक्सिक मारता, मैं देख नहीं पाया। फिर वो पॉरीगॉन जी पे आइस बीम मारता है पॉरीगॉन जी। तो ये सिस्मिक टॉस मारता है चैंसी, पॉरीगॉन जी टॉक्सिक हो जाता है। उसके बाद ये बेचता है लैप्रेस। अमन लैप्रेस बेचता है, नेस्टी प्लॉट यूज़ करता है अपना डिफेंस बढ़ाने के, पर वो पॉइजन से हार जाता है। हो तो क्या पाता है यार इस साला। ओह तो ये आता है किंग लैंग और ये वाइल्ड चार्ज मारता है और ये स्पार्कलिंग एरिया मारता है लैप्रेस पे। इफेक्टिव पड़ता है। गलत मूव मेरे हिसाब से तो गलत मूव किया दक्ष ने। डायनामिक्स इसको भी नहीं करना चाहिए था, मैक्स लाइटनिंग करके लैप्रेस को हरा देता है। बाकी उसके हिसाब से तो सही मूव होगा, पर फिर थ्रो आता है और थ्रो अमन भी डायनामिक्स कर देता है। माइंड टू से कि दक्ष ने गलत मूव नहीं किया, चलो अमन ने भी वही किया तो गलत मूव नहीं बोलेंगे। बाकी सुपर इफेक्टिव रहता है। फिर देखते हैं क्या होने वाला है इस अविश्वनीय युद्ध में। फिर मैक्स नकल वापस है और कुछ नहीं हुआ। तो डायनामैक्स बैटल ख़त्म होता है, वो गियर बाइंड मारता है और थ्रो के पास अभी भी एक मूव बचा है और मैक्स नकल मार के सॉरी किंगलैंग को हरा देता है। सो आई वांट टू से कि थ्रो अब दोनों के बाद डायनामैक्स चांस ख़त्म। फिर वो क्लेफी क्यों बेचता है, फिर लेट्स सी ये बल्क अप यूज़ करता है थ्रो और उसके बाद वो प्लेयर अप यूज़ करता है। उसके बाद फिर देखो क्या होता है, फिर आइस पंच यूज़ करता है, वो रेजिस्टेड है क्ले की। तो आई गेस फिर वो टॉक्सिक यूज़ करता पर मिस हो जाता है। फिर वो अगेन स्टॉर्म थ्रो यूज़ करता है। वाह बेटा अमन वाह, तुमने तो तुम बड़े हैवी ड्राइवर निकले, मौज कर दी। सॉरी अमन मतलब बजाया। फिर वो एजोर मेरल निकाल के एक्वाजेट यूज़ करता है, वो स्टॉर्म थ्रो करता है। फिर एक्वाजेट और थ्रो हार जाता है। फिर एजोर मेरल और आता है एक्वाजेट यूज़ करता पर डेसीडायो रेजिस्टेड है और डेसीडायो लीफ ब्लेड मार के एजोर मेरल को हरा देता है। फिर लेट्स सी क्या होता है। फिर आता है वापस से कौन नया पोकेमोन है, मैं भूल गया इसका नाम, जाटू है। जाटू गलत मीन मत निकाला। फिर मूव उसने हीट वेव आई गेस यूज़ किया। फिर वो रूस्ट मूव यूज़ करता है, बाकी डिसडाइव भी रूस्ट यूज़ करता है पर थोड़ा सा एचपी बच जाता है और ये स्पिरिट शैकल मारता और हार जाता है। टीम सार पेस्ट दर्श तो एंड विनर टू अमन ग्रीन निंजा एंड क्वालिफाई। तो आ गए तुम सब, मेरा नाम है संत बसील और मैं यहाँ पे नाचने का काम करता हूँ। फ्री की योगा टिप्स देता पर कोई भाव नहीं देता और दिव्यांग सिंह ने मुझे 2 रुपये देकर यहाँ पे हायर किया था तुम लोगों का मनोरंजन करने के लिए, तो यार तुम लोगों का स्वागत है। तो यार काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि दिव्यांग सिंह का ये चेला मतलब जिसको उसने 2 रुपये दिया वो पता नहीं आखिरी में क्यों ना आके मतलब पहले में ना आके क्यों आखिरी में आ रहा है। तो इसका सीधा सा एक ही रीज़न है, हम कुछ यूनिक करना चाहते थे। तो आज का बैटल था अमन वर्सेस गया उसका बंदे का नाम क्या था, हाँ दक्ष, सॉरी दक्ष तुम्हारा नाम भूल गया था। वो मुझे एक्स्ट्रा 3 रुपया मेरे को लग रहा है, वो मेरा एक्स्ट्रा 1.5 रुपये और काटेगा। फिर तो काफ़ी इंटेंस बैटल रहा और या बैटल में तो मज़ा आ गया और अमन जीत गया। दोनों के चैनल की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाओ दोनों को सब्सक्राइब कर लो। और काफ़ी मज़ेदार बैटल रहा एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू अमन कि वो इतना आगे गया। और बढ़ते रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो, जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा। तो यार ऐसा साला चेला लेता है पीसा।